भारत में अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि न्यायालय में न्याय मिलने पर काफी वक्त लगता है। भारत में किसी मामले में आरोपी को सजा मिलने में कई बार एक दशक से ज्यादा लग जाते हैं, तो वहीं कई बार तो कोर्ट अपराधी के मरने के बाद सजा सुनाता है। ऐसे में अगर भारत में किसी मामले में सुनवाई और सजा जल्दी हो जाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जाता है। दरअसल यूपी में एक मामला सामने आया है जहाँ एक दुष्कर्म और मर्डर केस में सिर्फ 140 दिन में पीड़ित पक्ष को न्याय मिल गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या के दोषी शख्स को सजाए मौत सुनाई गई है और केस का निपटारा सिर्फ 140 दिन में कर लिया गया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मामले में सुनवाई और सजा इतनी जल्दी कैसे हो गई? तो आपको बताएं तो ये संभव हुआ है विशेष पॉक्सो एक्ट की वजह से। यहाँ त्वरित कार्रवाई पर दोषी को सजा सुनाई गई है। वैसे आमतौर पर दुष्कर्म पीड़ित या उनके परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये पॉक्सो कोर्ट क्या है और किस तरह इसमें इतनी जल्दी केस का निपटारा कर लिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पॉक्सो कोर्ट और पॉक्सो एक्ट है क्या। आपको बताएं तो पॉक्सो कोर्ट खास तरीके के कोर्ट होते हैं जहां पॉक्सो एक्ट के तहत यानी बच्चों के खिलाफ हुए अपराध के मामले ही शामिल किए जाते हैं। इस कोर्ट में एडीजी लेवल के अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर होने वाले यौन शोषण अपराधों के लिए तैयार किए गए पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस की सुनवाई की जाती है। साथ ही इस कोर्ट में आईपीसी की तुलना में सजा के प्रावधान ज्यादा कड़े होते हैं। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार देश के हर जिले में विशेष पॉक्सो कोर्ट बनाएगी जहां 100 से ज्यादा पॉक्सो मामले लंबित हैं। इन अदालतों के लिए फंड केंद्र सरकार देगी। सरकार 60 दिन में ये कोर्ट बनाएगी। बता दें कि इन कोर्ट के जरिए बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जाती है। पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट या फिर इसे हिंदी में लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अभियान 2012 कहते हैं। पॉक्सो एक्ट 2012 को बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। साल 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। देश में बच्चों के साथ बढ़ती दरिंदगी को रोकने के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी। इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। वहीं इस एक्ट के सेक्शन 35 के अनुसार अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो उस केस का निपटारा 1 साल से भी कम समय में किया जाना होता है। बहरहाल आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।